अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे रेसिपी इज थ्रेड चिकन, और ये बहुत टेस्टी होती है और बहुत क्रिस्पी होती है। आप लोग इसे बना के फ्रीज भी कर सकते हैं और अफ्तारी में इंजॉय भी कर सकते हैं। तो चले आए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी चिकन को मैरिनेट कर देंगे। उसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम्स, मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है, उसके मैंने लंबे लंबे से स्ट्रिप्स काट लिए हैं, देखिए इस तरह से। और अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमने इसमें डाला 2 पिंच ऑफ फूड कलर, फिर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून इसमें डालूंगी हल्दी। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी चिकन पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें मैं डालूंगी आधा अंडा जो मैंने बीट कर लिया था, उसमें से मैंने आधा डाल दिया इसके अंदर। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट डाला है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे फ्रिज में। थ्रेड चिकन है तो इसके लिए मैं थ्रेड बनाने के लिए मांडा पट्टी लूंगी, समोसों की पट्टियां लूंगी, उसको मैं बारीक बारीक सा कट कर लूंगी। देखें इस तरह से कट कर लेंगे, जितना बारीक हो सके आप लोग कट कर लीजिए। देखें इस तरह से ये कट हो गए, अच्छी तरह से इसको अलग अलग कर लीजिए। देखिए हमारे सारे कट के रेडी हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया कॉर्नफ्लोर को। देखिए हमारी चिकन मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसको एक स्टिक्स में परोएंगे। कोई से भी स्क्यूअर्स ले लीजिए आप लोग, छोटे बड़े, इसके अंदर अपनी चिकन परो लेंगे अच्छी तरीके से। और जो प्याले में मैरिनेशन है वो थोड़ा थोड़ा इसमें और ज़्यादा और चिपकाएंगे हाथों की मदद से, और फिर इसको अपने थ्रेड में हम लोग रोल कर लेंगे। कि हमने मसाला इसमें दोबारा से लगाया है। अब जो मैंने आपको थ्रेड बना के दिखाए थे, इसमें मैं इसको अच्छी तरह से दबा दबा के कोट कर लूँगी। अच्छी तरह से दबा के करिएगा ताकि जो थ्रेड हैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं और अच्छी तरह से चिपक जाएं। जितने चिपक सकते हैं उतना ही चिपकाइएगा, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करिएगा, जितने चिपक चिपक रहे हैं उतना ही चिपकाइएगा। अब इस तरह से हमारी स्टिक्स बन के रेडी होती जाएंगी और हम रखते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से रेडी होती जाएंगी हमारी स्टिक्स। अब मैं आपको इसको फ्रीज करने का भी तरीका बताऊंगी। एक बॉक्स में प्लास्टिक लगा लीजिए और उसमें आप रखते जाइए, अच्छी तरह से लेयर लगा लें, और इसके ऊपर एक और प्लास्टिक लगाएं, फिर इसके ऊपर एक और लेयर लगाएं। इस तरह से हम लोग इसको फ्रीज कर देंगे। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे क्योंकि हमारी चिकन कच्ची है। जब तक इसका गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाए जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए इसमें कितना अच्छा सा कलर आ गया। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है, इमली की चटनी के साथ मैंने इसको सर्व किया है। चाहे तो केचप से भी खा सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करिएगा। और मेरी तरफ से आप सबको नवा रोज़ा मुबारक हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।